नमस्कार दोस्तों। दोस्तों खिलौने बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी लेनी होती है और मिट्टी हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो खिलौने बनाने के लिए मैं हमेशा वही मिट्टी लेती हूँ जो हम घड़े बनाते हैं और मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उसी मिट्टी से हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। तो उस मिट्टी के खिलौने बनाकर हम उन्हें आग में पकाकर उसमें खाना भी बना सकते हैं। तो ये मैंने मिट्टी ले ली है, लाल मिट्टी और काली मिट्टी है। ये गाँव के बाहर जो तालाब होता है, जोड़ा बोलते हैं हम उसे, वहाँ पर मिल जाती है। किसी किसी गांव में होती है और किसी गांव में नहीं मिलती है, लेकिन आप उसकी पहचान कर सकते हैं। लाल कलर की और ये ब्लैक कलर की होती है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मैं इसको गूंद रही हूँ। इसको गूंदना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से मिक्स करके हम इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। एकदम तुरंत ही हम इसे गीला करके और तुरंत ही नहीं बनाना है खिलौने, रात भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो जितने आपको खिलौने बनाने हो आप उतनी मिट्टी लीजिए, मैं इतनी ही मिट्टी भिगो रही हूँ। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बना रहे हैं मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के खिलौने हम आज कुछ नए तरीके के बनाएंगे। तो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए हमने कल रात को ही मिट्टी भिगो के छोड़ दी थी जो अभी अच्छे से भीग चुकी है। इसको रात भर भिगोना पड़ता है मिट्टी को, तभी ये एकदम अच्छे से भीगती है। तो बहुत अच्छे ये तैयार हो गई है। अच्छे से हम इसके मिट्टी के खिलौने बनाएंगे। हम जो मिट्टी यूज में लेते हैं वो होती है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, वही मिट्टी हमारे पास है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो उसी मिट्टी से हम खिलौने बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और पक्के बनते हैं। उन मिट्टी के खिलौनों को हम पकाकर आग के अंदर फिर उनमें हम खाना भी बना सकते हैं। और खाना बनाकर मैंने आपको एक वीडियो दिखाया भी था जो मैंने घर पे खिलौने बनाकर उसमें खाना भी बनाया था, तो आप सबने बहुत पसंद किया था उसको। तो आज कुछ अलग तरीके के खिलौने बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं ये देखिए हमारी मिट्टी कितनी अच्छी सेट हो गई है, जैसे हम इसको बना रहे हैं वैसे ही ये सेट हो रही है। तो ये मैंने दो पट्टी जैसी बना ली है। मैं सबसे पहले बना रही हूँ चूल्हा मिट्टी का, और चूल्हे मैंने खिलौने के कई प्रकार के बना लिए हैं। आज एक दूसरी प्रकार का हम चूल्हा बनाते हैं, तो देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ चूल्हा।
तो ये मैंने बनाया है गिलास, जो नए ज़माने के गिलास होते हैं उसी तरीके का मैंने ये गिलास बनाया है। और ये बनाना बहुत ही आसान है, आपने देख भी लिया। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम इसे अच्छे से तैयार कर देंगे। जो भी खिलौने बनाते हैं उसे हम बाद में पानी लगाकर अच्छे से साफ़ कर देते हैं ऊपर से। तो ये मैंने 2 गिलास बना लिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ कुकर। कुकर बनाने के लिए पहले मैं जो कुकर का बर्तन होता है वही बना रही हूँ। अभी मैं कुकर का ढक्कन बना रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाती हूँ मैं कुकर। तो ये इतने जो खिलौने हैं मैंने शाम को बनाकर छोड़ दिए थे, अभी दूसरे दिन सुबह मैं बना रही हूँ। ये देखिए 2 पट्टी लेकर मैंने इस तरीके से इनको आपस में चिपका दिए हैं। और आज मैं बना रही हूँ फ्रिज। और फ्रिज बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसी पट्टियाँ बना ली है मिट्टी की, और एकदम बराबर से इसको चाकू से काट देती हूँ और अच्छे से इसको चिपका देती हूँ। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर और पानी लेकर हम इसको एकदम अच्छे से जोड़ देते हैं। अभी जो ऊपर का हिस्सा है वो भी अच्छे से हमें नाप कर और चाकू की सहायता से काट कर अच्छे से इसको लगा देना है। ये फ्रिज जो मैंने बनाई वो थोड़ी छोटी बना दी मैंने, आप थोड़ी बड़ी बना लें, क्योंकि इस फ्रिज के अंदर फिर बर्तन नहीं आते हैं, छोटे छोटे इसके लिए बर्तन भी बनाए। फिर अगर ये थोड़ी सी बड़ी होती तो इसमें थोड़े बर्तन आ जाते। थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर इस जॉइंट जो होता है उसे हम एकदम एक सार कर देते हैं। और जो बीच के अंदर फ्रिज में जो अलग अलग खण होते हैं, खण को क्या बोलते हैं, बर्तन रखने के लिए, वही बना रही हूँ मैं। अलग अलग ये पट्टियाँ सी लगा दी है मैंने। और अभी एकदम नीचे ये लगा देंगे हम।
तो ये मैंने बना दी है फ्रिज कुछ इस तरीके की। देखिए कैसी लग रही है हमारी फ्रिज, और कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अगर बनाएं खिलौने तो इससे थोड़ी सी बड़ी बना लेना। और ये देखिए कल्पना ने क्या क्या बनाए हैं। क्या क्या बनाए बेटू? चिज्जा। ये मैंने चूल्हा जला दिया है और कुकर में कुछ भी नहीं डाला है मैंने। इस तरीके से आप भी खिलौने बनाकर उसे एकदम जब सूख जाएं, छाया में सुखाने हैं, और छाया में सूखने के बाद उन्हें आग में पकाना है। यहाँ पर मेरे पास व्यवस्था नहीं थी आग में पकाने की, तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन आग में पकाने का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। पहले भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए कैसे पकाने हैं इनको। और पकाने के बाद फिर आप ऐसे चूल्हा जगाकर इसमें खाना भी बना सकते हैं। एकदम अच्छे से मैंने खाना बनाकर भी आपको दिखाया है, वो वीडियो का लिंक भी आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। और ये देखिए दोनों बच्चियां खेल रही हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ये खिलौनों से खेलकर। और मिट्टी के खिलौने हम जैसे चाहें वैसे, जितने चाहें उतने बना सकते हैं, ओनली मिट्टी चाहिए, पैसे कुछ भी नहीं लगते हमारे। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खेलते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए वंदना अभी आटा गूंद रही है परात के अंदर, और ये रोटी बना रही है।